नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आरबीआई का कल एक रिपोर्ट आया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के बारे में, हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर अगर समझना है तो ये रिपोर्ट बहुत काम का आएगा, तो थोड़ा समय उस पर देंगे। और हेजिंग से रिलेटेड एक्सेल पे पे ऑफ चार्ट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर, तो आज दो थोड़े से अलग अलग टॉपिक्स, लेकिन दोनों काम के टॉपिक्स, एक मैक्रो बोलिए एक माइक्रो बोलिए, एक इकोनॉमिक्स बोलिए एक डेरिवेटिव्स बोलिए। तो एक बहुत स्लो रहता है इकोनॉमिक्स और डेरिवेटिव्स बड़ा फास्ट रहता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही इसमें आपको बेयर्स भी मिलेंगे बुल्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट ये जो एक्सेल का है, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप से किसी ने बहुत दिन पहले बोला था, वो छूट गया और एक के बाद एक टॉपिक आ रहे थे, तो ये टॉपिक बन नहीं पा रहा था। तो आज इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाजार क्या कर रहा है। सेंसेक्स मानने को खाली नहीं है, 39,000 सॉरी 49,000 पे आ गया अभी, और 500 पॉइंट केवल बचे हैं। जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, बजट के पहले 50,000 आने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है, पर मार्केट है कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पीई ऑलरेडी बहुत ऊपर है, 38 39 लगभग 40 के पास निफ्टी का पीई जा रहा है। तो इसलिए आपको हरदम सचेत रहना चाहिए कि ये एक्साइटमेंट ठीक है सेंसेक्स 50,000 वाला या निफ्टी एट 15,000 वाला, पर वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड है। और ये जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की हम बात करेंगे, उसमें खुद आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात कही है, पहले भी एक बार उन्होंने बात कही थी ये कि इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर में जो अंतर है वो बढ़ रहा है, और कल फिर से उन्होंने ये एक थोड़ी सी चिंता जताई है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और उसके बाद मार्केट में रहना चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बेयरिश भी समझ लो बुलिश भी समझ लो, अपने पोर्टफोलियो में से कचरा साफ करो और अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखो, सो दैट मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा तो अपना हेज अपने को बचाएगा। तो आज ये सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर आरबीआई का रिपोर्ट है। आरबीआई का रिपोर्ट है, ये आरबीआई का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये टोटल 119 पन्नों का रिपोर्ट है, हम सब नहीं पढ़ेंगे, आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपके जो काम का है वो सिर्फ उसमें से पॉइंट निकालें। सबसे पहले फॉरवर्ड शक्तिकांत दास, गवर्नर ने अगर लिखा है कुछ तो हमने उसकी बात पढ़नी चाहिए सुननी चाहिए, जितना हमारी जितनी समझ है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हिस्ट्री वाला आदमी है, इसको गवर्नर क्यों बना दिया। होगा हिस्ट्री वाला, अपनी समझ से तो उसकी समझ बहुत ज़्यादा ही है, आईएएस ऑफिसर है। और अभी जब कोविड के बाद, कोविड जैसी एक कठिन अग्नि परीक्षा के बाद जब अपना बैंकिंग सेक्टर सही सलामत बाहर निकला है, तो तब तो अब जो लोग सवाल उठाते थे उन्होंने भी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सही काम किया है जो कि डेटाबेस में जो कि नंबर्स में दिख रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, बैंकिंग सिस्टम फेस द पेंडेमिक विद रिलेटिवली साउंड कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स बिल्ट एसिड्यूअसली इन द आफ्टर मार्थ ऑफ GFC। एसिड्यूअसली यानी मेहनत से, लगन से, यानी पीछे लग लग के एक हमने हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी 2008 में जो हुआ उसमें से हमने सीख ली, वहाँ से गलतियाँ निकाली और हमने हमारा सिस्टम अच्छा बनाया। इसलिए जब पेंडेमिक को हमने फेस किया, फेस द पेंडेमिक, तब हमारा कैपिटल और लिक्विडिटी ये काफ़ी साउंड था। तो ये एक प्लस वन टू इंडियन बैंकिंग सेक्टर, प्लस वन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आगे उन्होंने एक 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 बात करी है, और ये सारे के बाद अपने काम का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ये पूरा ही पढ़ने को 1-2 घंटे लग जाएंगे समझने के लिए। तो अपने काम का ये है, मीनवाइल द डिस्कनेक्ट, ये दो लाइनें हैं, हम इसको हाईलाइट करेंगे और फिर एक एक करके देखेंगे। मीनवाइल द डिस्कनेक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल बिटवीन सर्टन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है यानी कि दूरी है, किसमें, फाइनेंशियल मार्केट सर्टन सेगमेंट, कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रियल इकोनॉमी,
नहीं, जमीन पर कुछ हो रहा है और जिसका कोई लेना देना नहीं है शेयर बाजार तो नहीं बोला है, सर्टन फाइनेंशियल मार्केट्स उसने बोला है। एक्सेंचुएटिंग, एक्सेंचुएटिंग है, तीव्रता बढ़ रही है इसकी, बहुत दुनिया में भी और विश्व भर में भी और भारत में भी। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस जो हम बोल रहे हैं कई दिनों से कि आजकल हर कोई फंड मैनेजर है, आप हाथ लगाओ वो स्टॉक ऊपर, आप हाथ लगाओ वो स्टॉक ऊपर, कचरा भी भाग रहा है, गधे भी घोड़े के भाव बिक रहे हैं। वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पोज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कैसी रिस्क होगी? अब मान के चलिए मेरे पास एक कोई शेयर है जिसका भाव, मान के चलिए आज जिसका वैल्यूएशन 5 लाख है, कचरा शेयर है, कचरा शेयर है, पर लॉस मेकिंग कंपनी को अपर सर्किट लग सकता है यार, तो फिर तो समझ जाओ कि किस तरह की तेजी है बाजार में। तो मैं कचरा शेयर जिसका आज वैल्यू 5 लाख है, मैं वो जाता हूँ और उसके अगेंस्ट में मैं एक 3 लाख का लोन लेके आता हूँ। बैंकों के पास कैपिटल तो इजी है तो लोन मिल जाएगा, और ये 5 लाख का धड़ से गिर के, जब भी करेक्शन होगा 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद, वो 5 लाख का करेक्शन करके सीधा मान के चलिए 1 लाख हो गया, कचरा है वो और लिक्विडिटी चली गई अगर। तो अब परिस्थिति देखिए, ये लाइन को समझ रहे हैं हम कि स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पोज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मेरी तो पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिट हो गई, क्योंकि मैंने लोन लिया था जब मेरा नेटवर्थ 5 लाख का था और मेरा लोन 2 लाख का था, आज मेरा नेटवर्थ ही 1 लाख का हो गया और लोन 2 लाख का हो गया, तो मेरी पूरी स्टेबिलिटी। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी आवश्यक है सबके लिए। तो ये एक बात है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम नीड टू बी ध्यान देना चाहिए बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम ने, इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम। आपने देखा होगा 2019 में जो क्राइसिस हुए थे, एनबीएफसी क्राइसिस, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आया था, या लिक्विडिटी का इम्पैक्ट, या जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो लिक्विडिटी बैंक्स में चली गई थी जिसका इम्पैक्ट फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम हो गए थे, तो समझ, या अब डेट फंड्स में फ्लोज बढ़ गए थे। तो सभी जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा वो बोल रहा है, और इसके कारण आपको ये पता रहना चाहिए कि कहीं एक जगह पे अगर प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरी जगह पे आएगा, इसलिए बैंकों ने तैयार रहना चाहिए। अब बैंकों ने क्यों, आप और मैं अगर हम शेयर बाजार में निवेशक हैं तो हमने भी तैयार रहना चाहिए, ये सीखना होता है। जब ऐसे बड़े लोग कुछ बात करते हैं, आरबीआई गवर्नर, तो हमें ये सीखना होता है कि अच्छा वो इनको अगर ये बता रहा है तो मेरे लिए भी वही है कि रिस्क मैनेज करो या ये सब प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दो। तो ये एक बात है। अब अपन ने क्या किए है कि कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं कि जिसमें से हम सीखेंगे, और हर एक चीज़ को अपने अपने स्टॉक मार्केट से, अपने पोर्टफोलियो से लिंक करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत कठिन होता है मेरे लिए कि हर एक चीज़ को स्टॉक मार्केट से लिंक कैसे किया जाए, पर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा ही एक आधा लाइन बोल, जैसे आप उदाहरण देखिए पेज नंबर 4 पे, अब क्या है 1.1 ना, एक मिनट आपको एक उदाहरण बताता हूँ और बताता हूँ कि मेरी मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। 1 2 3, हाँ ये पेज नंबर 4 है। हाँ अब ये पेज नंबर 4 है, उस पे 1.1 क्या है, 1.1 ऑप्टिमिज्म अबाउट ग्लोबल ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ वैक्सीन रोल आउट इज नाउ टेम्पर्ड, टेम्पर्ड यानी कम हो गया है, बाय द रियलाइजेशन दैट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स विल अलाउ ओनली अ ग्रेजुअल मूव टूवर्ड्स मास वैक्सीनेशन। पता है आप में से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग ये पढ़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे लंबे लाइन रहते हैं इसलिए किसी की इच्छा ही नहीं होती है क्या लिखा है समझने के लिए, पर ये सोना है, ये गोल्ड है, आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है यार नोट पे, तो अगर उसके साइन का रिपोर्ट है तो पढ़ो, पर ये इतने लंबे लंबे लाइन लिखते हैं तो फिर कोई पढ़ता नहीं है। अब आप मेरे प्रॉब्लम समझिए, अब इस लाइन को मैं स्टॉक मार्केट से कैसे जोड़ूं? अच्छा, अगर मैं नहीं जोड़ता हूँ, सिर्फ आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, तो लोग बोलते हैं ठीक है ना, ये फालतू की बात करना, क्या बात कर रहे हो, कौन सा स्टॉक लेना है वो बताओ। अब मुझे वो समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टॉक, इसको स्टॉक से कैसे कलेक्ट करूँ, पर फिर भी कुछ तो भी खींच तान के कनेक्ट कर देते हैं अपन, तो ऐसा। इसलिए हर एक चीज़ को हर एक बार स्टॉक मार्केट से लिंक कृपया मत करिए, थोड़ी सी अपनी सोच वाइडन करिए और डीपन करिए, और आपको जैसे जैसे विषय समझ में आएंगे तो फिर शेयर बाजार आपके लिए एक लास्ट स्टेप रहेगा। तो ये है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अब आप टेबल देखिए, 2021 में 2021 में
वर्ल्ड की ग्रोथ क्या रहेगी, ये कब पूछा था? जनवरी 2020, मैंने एक साल पहले जनवरी में कोविड के पहले जब पूछा था, मैंने सर्वे किया था या प्रोजेक्शंस थे कि 2021 में ग्लोबल ग्रोथ क्या रहेगी, तो लोगों ने बोला था 3.4% रहेगी। फिर अप्रैल 2020 में फिर से पूछा कि 2021 में ग्रोथ क्या रहेगी, तो बोले 5.8 रहेगी। फिर जून, अब देखो यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट, ये 2020 में 3 -3 -4, तो ये तो 2020 का साल है ये वाला कॉलम, ये तो ठीक है अपने को पता है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये तो 2020 में माइनस हुआ था, ये तो सबको पता है। पर जब अप्रैल 2020 में पूछा था कि 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति क्या रहेगी, तो आप देखिए पहले 5.8 बोला, फिर जून 2020 में बोला नहीं नहीं 5.4 रहेगा, और फिर अक्टूबर 2020 में बोला कि नहीं नहीं 5.2 रहेगा। बोला है ना किसने? बोला उन्होंने जो भी प्रोजेक्शंस किए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF ने वगैरह। आप इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग, EMD का क्या मतलब है? इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, सादी भाषा में हिंदुस्तान जैसे देश। तो पहले बोले थे कि 4.6 होगा, फिर कोविड के बाद बोले कि ये सारे देश 6.6 से ग्रो करेंगे, फिर बोले 5.9 से ग्रो करेंगे। फिर यानी कि आप देखो, हर 3 महीने में आने वाले साल के बारे में जो अपेक्षाएं थी वो पहले बहुत बड़ी थी और फिर धीरे धीरे कम हो गई, 5.5.4, 5.2। तो ये क्यों हुआ, ये 5.8 क्यों हो गया? क्योंकि अरे एक साल में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वो एक साल वैक्सीन आते आते ये लोगों की अपेक्षाएं कम क्यों हो गई? क्योंकि वैक्सीन तो आ गई, ठीक है, आधे लोग तो बोलते हैं कि हमको वैक्सीन में जाना ही नहीं है क्योंकि उसमें पता नहीं राजनीति, वो एक वो छोड़ दो यार। पर दूसरा ये है कि रियलाइजेशन दैट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स, और इतने सारे वैक्सीन बनाएंगे, लेके जाएंगे, भेजेंगे। आपने देखा ना हिंदुस्तान में 2 बार तो ड्राई रन किए, सिर्फ 2 बार तो ड्राई रन किए। तो क्यों? क्योंकि वो पूरा स्मूथली होना चाहिए, सबको करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, ग्लोबली क्या रहेगा। तो इसलिए एकदम से ऐसा नहीं है चुटकी बजाई कोरोना खत्म, वैक्सीन लग गई हिंदुस्तान को और सब वापस बैक टू नॉर्मल, ऐसा नहीं है। इसके कारण ऑप्टिमिज्म यानी कि जो एक सकारात्मक था वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये एक पॉइंट है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ऑप्टिमिज्म लिखते जाएंगे हम यहाँ पे, ऑप्टिमिज्म डाउन, ठीक है। चार्ट 1.2 देखो, हाँ चार्ट 1.2 देखो, चार्ट 1.2 ध्यान दो सब लोग, 2020 2021 यानी कि ये ग्रे वाला, आप सिर्फ ये ग्रे वाला चार्ट देखो, यूनाइटेड स्टेट्स 3.1, यानी कि 2021 में कौन सा देश कितनी गति से बढ़ेगा, ध्यान दो इसको, ध्यान दो, 2021 में कौन सा देश कितनी गति से बढ़ेगा, कौन बोल रहा है ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF कि अमेरिका 3%, यूरो 5%, यूके 6%, चाइना 8.2%, हिंदुस्तान की गति ग्रोथ की सबसे ज़्यादा रहेगी 8.8% इन 2021, यानी ये जो वित्तीय वर्ष अभी शुरू होगा, वित्तीय वर्ष कैलेंडर ईयर नहीं। और फिर ब्राज़ील, और ब्राज़ील का तो हमने एक पूरा वो अलग सा वीडियो भी बनाया है, और मेक्सिको, तो ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्टिमिज्म डाउन, ये जैसा एक बेयर वाला सिग्नल था वैसा ही 8.8% का जो फिगर है ये एक बुल वाला सिग्नल हो गया आपको। अब देखिए दोनों तरफ से डेटा आते रहता है और आपको सब डेटा ले, पहले तो डेटा अंदर लेने की आप में एक क्षमता चाहिए, बस लेते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, फिर उसका जो करना है वो करेंगे। तो चलिए ये वाला भी पॉइंट हो गया, बहुत लंबा है आज का, तो थोड़ा सा ध्यान दो, सो मत, खींचो नींद, नींद नींद नहीं आनी चाहिए। आपको एक और काम बताने वाला हूँ, 6 पेज नंबर 6, 5 ये है क्या, पेज नंबर 6, हाँ पेज नंबर 6 पे क्या है, टेबल 1.2, वन किधर गया, टेबल 1.2, छोड़ो कुछ तो भी गलत हो गया। चार्ट 1.2 क्या है पहले देखने दो, चार्ट 1.2 हो गया, ठीक है छोड़ो, ये कुछ तो भी मिस हो गया, ठीक है बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। पेज नंबर 8 पे आ जाओ, हाँ टेबल 1.2 ये है, अरे पेज नंबर, हाँ टेबल 1.2 ये है, सॉरी। कि अभी देखो ग्लो फिस्क अगेन, इमर्जिंग एंड मिडिल इनकम फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है जब अपना बजट आएगा, इंडिया का बजट आएगा इस बार, तो फिस्कल डेफिसिट ये 7% ऑफ GDP होने के चांसेस हैं।
तब फिर मीडिया में बवाल मच जाएगा, अरे ओवर फिस्कल डेफिसिट शूट हो गया, क्रेडिट रेटिंग इंडिया का कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दुनिया भर में वही हो रहा है। और ये आप देख लो, इमर्जिंग एंड मिडल इनकम ग्रुप 7.18, यानी कि हमारा ब्रॉडली ग्लोबली जो परिस्थिति है हम वहीं पे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ये वो हो गया। फिर पेज 8, चार्ट 1.13। हाँ, मेजर आप प्राइस पी मल्टीपल्स देख लो, सो दैट मीन्स ऑल स्टॉक इंडेक्सेस आर एट लाइफ हाईज। आप देख लो, हर एक MSCI, US इंडेक्स, यूरोप इंडेक्स, एशिया पैसिफिक, सभी इंडेक्सेस अपने अपने सर्वोच्च स्तरों पे, यानी कि ऑल एसेट प्राइजेस आर एट एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस। कुछ भी, यानी कि जो लगता है ना अपने को कि मैं बहुत अच्छा फंड मैनेजर हूँ, मैंने जो स्टॉक्स चुने वो स्टॉक्स सब ऊपर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के स्टॉक्स, हर एक इंडेक्स, हर एक इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, सब ऊपर जा रहा है, और ये चिंता की बात है। तो अगर ऑल इंडेक्सेस आर एट लाइफ टाइम हाई है, तो आपने इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चिंता की बात है, सबका सब ऊपर है। चार्ट 1.14, एक एक चीज देखो। हाँ देखो, चार्ट 1.14, क्यों क्यों हर एक स्टॉक ऊपर है? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टेंट्रम, चाइना डिवेल्युएशन, ये सभी टाइम पे इमर्जिंग मार्केट में जिस तरह से पैसा आया, उसकी तुलना में आप कोविड के समय देखिए, ये देखिए डेली फ्लो, डेली फ्लो यानी रोज इमर्जिंग मार्केट में कितना पैसा आया। तो जब बाहर गया था तो ये इतना बाहर गया, और अब जब आ रहा है तो अब तक डॉलर बिलियन में है, ये US बिलियन डॉलर्स में, डेली 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 2 बिलियन डॉलर्स तक का फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है। तो ये वो है कि एम्पल लिक्विडिटी, तो यहाँ पे लिख दो आप एम्पल लिक्विडिटी फ्लोइंग इनटू ईएम्स, इमर्जिंग मार्केट्स में लिक्विडिटी जा रही है। अगला क्या है, पेज 11 1.23, पेज 11 1.23। हाँ, ये एक और बात देखो, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, कल जिसके ऊपर बात करी थी, या अभी भी जो RBI के गवर्नर ने कहा, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, आप देख लो क्या क्या ऊपर है। ब्लूमबर्ग का इंडस्ट्रियल मेटल्स इंडेक्स, ये ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हो, ये ब्लू वाली लाइन सर्वोच्च स्तर पे है। बेस मेटल्स का स्पॉट प्राइस इंडेक्स, ऑरेंज वाली लाइन आप देख लो, ये यहाँ से गई और ये यहाँ पे सर्वोच्च स्तर पे है। कमोडिटी इंडेक्स, ये नीचे आया था मार्च 2020, ये आपका कोविड का टाइम था, और फिर ऊपर गया वापस, अभी सर्वोच्च पे नहीं है लेकिन ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि अगेन फिर वही, हर एक एसेट क्लास, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, टेस्ला, स्टॉक्स, कमोडिटीज, बेस मेटल, सब 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 ऊपर है। और सब क्यों ऊपर है? केवल एक और एक कारण के कारण, जो है लिक्विडिटी। और कल का जो बेयर्स एंड बुल्स था वो इसी के ऊपर था, कि कैसे लिक्विडिटी शायद थोड़ी सी कम होने के आसार दिख रहे हैं, शायद थोड़ी सी कम होंगे, जब भी होंगे। तो आपने उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी सर्वोच्च स्तर पे ऐसा कैश इन सर्कुलेशन, कल का जो अपना बेयर्स एंड बुल्स था वो कैश इन सर्कुलेशन पे था। अभी विश्व भर में और हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा कैश सर्कुलेशन में है, और क्योंकि वो कैश सर्कुलेशन में, इसलिए सभी एसेट प्राइजेज ऊपर है। बहुत बार एक बहुत भोला सा सवाल रहता है लोगों को कि वाई नॉट गिव मनी टू एवरीवन, दे दो ना सबको पैसा तो गरीबी हट जाएगी। ये उसका उदाहरण है, जीवन तो उदाहरण है उसका, कि अगर सबके हाथ में पैसा दे दिया तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि गरीबी चले जाएगी, उल्टा महंगाई बढ़ती है, और महंगाई का ज़्यादा मार किसको पड़ता है? गरीब को। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है कंडीशन, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम है। मराठी ज्याला अभूतपूर्व म्हणतो की न भूतो न भविष्यति, अशी अशी एक परिस्थिती आहे की बहुत ज़्यादा सब कुछ एक्सट्रीम 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 हो गया है, और क्योंकि ये इतना हो गया इसलिए ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये ध्यान दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहो लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान दो। पार्टी में गए हो तो बहुत मज़ा करो पार्टी में, लेकिन ध्यान दो कि वो DJ बंद कब होने वाला है, और DJ बंद होते समय आप अपना बराबर देखो कि अपने आप को कैसे बचाना है। पेज 1.24, 12 पेज नंबर 12, देखो फूड प्राइसेस भी, हमने ये सब लिखा इसमें, इसमें फूड नहीं लिखा था। तो फूड भी ऑल टाइम हाई पे है, फूड इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पे। इसका क्या मतलब है? सब, हर एक
एसेट इज एट ऑल टाइम हाई, और अपने शेयर्स फिर उसमें क्या बात है, पेज नंबर 16 1.33, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 16 1.33, हाँ 1.33A है ना, हाँ अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1.33A में वो चार्ट है मूवमेंट ऑफ करेंसीज अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर की तुलना में हर एक करेंसी अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट हुई है, रेड वाली लाइन इंडिया की है, तो इंडिया की करेंसी ये 3.4% से अप्रिशिएट हुई है। यहाँ पे फिर से हम एक बात बोल रहे हैं कि US इज सेइंग इंडिया इज आरटी डिप्रेसिंग रूपी, अगर यूएस की बात माने और जो भी सच भी है कुछ हद तक, अगर आरबीआई ने रूपी लेवल को कंट्रोल नहीं किया रहता तो अपना रूपी और ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकता था, लेकिन आरबीआई ने वैसा नहीं किया क्योंकि एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम है, वो पूरा सक्कर करते गए और अपने फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाते गए, वो एक बात है, पर आपको ये समझना चाहिए कि अप्रिशिएट यानी अप्रिशिएटिंग रूपी ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती कि बाप रे मेरा रूपी सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होना चाहिए, थोड़ा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी समझ के फिर करना चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, पर ये जो एक होता है कि अरे अरे अपना रूपी तो अप्रिशिएट हुआ ही नहीं, अपने इकोनॉमी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट रहता है, और इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है आपको कि आरबीआई ने जानबूझकर आरबीआई ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लोस तो अपने देश में आए, तो फ्लो आने के बावजूद भी हमारा रुपी क्यों नहीं बढ़ा, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आरबीआई ने बढ़ने नहीं दिया, तो ये वो वाला पॉइंट है, और जिसके कारण अपने फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए, तो आपको इसको इस तरह से लिंक करते आना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये रिपोर्ट। बच्चे को किसी खिलौने के या चॉकलेट के दुकान में छोड़ दो खुला, तो जैसा आनंद होता है ना वैसा आनंद आपको होना चाहिए अगर आप एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हो। बाप रे इतने सारे चार्ट्स दिख गए, इतने सारे आरबीआई मेरे से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो ये होना चाहिए आपको, लेकिन आपको होता क्या है, छुट्टियों के बाद बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तब वो कैसे ऐसे जाते हैं ना, वैसे आप ये सब रिपोर्ट्स पढ़ के, अरे यार ये भी पढ़ना है क्या, पर स्कूल जाओगे तो अच्छा ही होगा। पेज 20 पैरा 1.4, चलो पेज 20 पे आ जाओ, आपको पूरा नहीं करूँगा, देखो ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, लंबा नहीं रहेगा ये, आप बोलोगे यार कितना बोर, अरे बोर यानी पढ़ाई करनी नहीं है क्या, चलो पेज 20 पे क्या बोल रहा है वो, 1.41, अच्छा लिखा हुआ है ना, हाँ ध्यान दो, पेज 1.41 पे वो क्या बोल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आपके ये, यानी ये पूरा पब्लिक सेक्टर शेयर्स आपके आपके पास होंगे ना, पीएसयू के शेयर्स उसके ऊपर ये चर्चा करी आरबीआई ने करी है, ध्यान दो, फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट एनालिसिस वी फाउंड दैट क्रेडिट ग्रोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयू क्रेडिट ग्रोथ यानी बैंक जो लोन देती हैं पीएसयू को, दैट वाज रिजिलियंट यानी कि पीएसयूज लोन लेते जा रहे थे, तो ये अच्छी बात है, ऑल दो एग्रेट पीएसग्रेंट, लेकिन अब अगला पार्ट, यानी कि देखो क्या है कि बैंकों से पीएसयू को पैसा जा रहा है, लोन जा रहा है, लेकिन The MCAP of CPSEs has, however, fallen in an otherwise bullish equity market. MCAP, RBI बोल रहा है कि PSU shares का market capitalization ये गिर गया है एक ऐसे बाजार में जो कोई otherwise bullish है, पहले RBI बोल रहा है कि ये सब भाव इतने ऊपर है ये risk है करके, और अभी RBI बोल रहा है कि पूरा bullish है लेकिन PSU के भाव ऊपर नहीं जा रहे, MCAP उसका गिरा है नीचे, इम्प्ले क्यों गिरा है, यानी आपके पास अगर पीएसयूज होंगे तो थोड़ा सा समझ लो आरबीआई क्या बता रहा है, इम्प्लाइंग म्यूटेड यानी दबे हुए, आप टीवी को म्यूट करते हो ना, म्यूटेड मार्केट एक्सपेक्टेशंस अबाउट वैल्यू क्रिएशन थ्रू द पीएसयू चैनल, यानी आरबीआई ऐसा बोल रहा है कि अच्छा उसका ये चार्ट भी दिया है अगले पेज पे, अब देखो ये जो लाइन है ये लोन बैंक क्रेडिट की है, तो क्रेडिट ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एमकैप सी पी एस सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस का एम कैप या धीरे धीरे कम हो रहा है,
मार्च 17 से सितंबर 20 के बीच में। ओवरऑल बुलिश होने के कारण, ओवरऑल बुलिश होने के बावजूद भी ज़्यादा पैसा पीएसयूज में जाने के बावजूद भी लोन के इसमें, तो भी पीएसयूज का एम कैप बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है मार्केट की ये पीएसयूज के बारे में ऐसी अपेक्षा है कि वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आरबीआई ये रिपोर्ट में बोल रहा है। इसलिए आपके पास अगर पीएसयू शेयर्स होंगे तो वो कौन से शेयर्स हैं, क्या है आगे, बैंकिंग के ऊपर आरबीआई ने डिटेल में दिया है, तो वही लॉजिक आप बाकी के इसमें भी लगा सकते हो। पर प्रश्न चिन्ह उठाइए और अपना पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है ऐसे बाजार में, आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के लिए। तो भी आरबीआई ने एक ही रिपोर्ट में दो बार बात करी है स्टॉक मार्केट के बारे में कि मार्केट ऊपर है, ये है, और फिर भी पीएसयूज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये संधि है, आपने इस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे गया मार्केट, चल रहा है धीरे 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 धीरे, मार्केट अपना ऊपर चल रहा है। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ गया ना आपको। तो ये बेयरिश वाला, इसको रेड लिख देंगे, ये रेड कर देंगे। हाउसिंग मार्केट रिकवरिंग, आपको अभी बुलिश भी दिखाता हूँ। बेयर बुल, बेयर बुल दोनों चीज़ है। 29, 1.2.9, 29, ये बीच में का इतना सब आप सो जाओगे। हाउसिंग मार्केट रिकवरिंग, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, बाकी फिर पूरी कहानी है। क्या बोल रहा है, हाउसिंग मार्केट इज़ ग्रेजुअली रीबैलेंसिंग एंड रिकवरिंग, यानी कि रिकवर हो रहा है। न्यू यूनिट्स रिफ्लेक्टेड क्लियर रिकवरीज, बहुत अच्छी बात है। बस अपने काम का ही है कि रिफ्लेक्टेड क्लियर रिकवरीज, यानी कि हाउसिंग मार्केट में डिमांड वापस आते हुए दिख रही है, जो कि डेटा बता रहा है। नागपुर का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नागपुर में महिंद्रा का ब्लूमडेल करके है, 5-6 बिल्डिंग्स हैं। मिहान जो है एम्स, नागपुर में नया एम्स खुला है, तो एम्स के बाजू में ये सब नए नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं। तो हमको बीच में न्यूज़ आई कि इनके एक विंग, दो विंग, तीन विंग फटाफट सब सोल्ड आउट हो गए। तो नागपुर में तो स्पेसिफिकली मैं खुद जानता हूँ कि रियल इस्टेट में एक्टिविटी तेज़ी में तेज़ी आ गई है। और आरबीआई बोल रहा है कि बाकी के बड़े शहरों में, फिर उन्होंने वो शहरों के नाम भी दिए, अहमदाबाद, बेंगलोर, पूना, ये लोग नागपुर नहीं लेते अब तक, ठीक है, पर ये सारे शहरों में एक्टिविटी आ गई है, ऐसा उनका बोलना है। तो पेज नंबर 29, पेज नंबर 32 पे आ जाओ। एक ही टॉपिक है नहीं है, आज दूसरा एक और टॉपिक भी करना है अपने को, डेट मार्केट का। कितना लंबा हुआ सेशन, 27 मिनट हो गए आज का, तो आपको लंबा सेशन रहने वाला है, क्या करें, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा ना। और आज ही आया हुआ है 32 पेज नंबर, किधर के आप बोलते हो ना बैंकिंग सेक्टर के बारे में चाहिए, बैंकिंग सेक्टर, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर क्यों नहीं चलते उसका यहाँ पे देख लो आप। ये पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, पीवीबी यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक, एफबी यानी फॉरेन बैंक, और ऑल एससीबी यानी ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर। अब आप देख लो क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन देना, ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। और डिपॉजिट ग्रोथ यानी कि डिपॉजिट लेना, ये भी सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहीं पे है ही नहीं। पूरी ऑल एससीबीज का 5% है, तो इनका 4.6% है, यानी बिलो एवरेज। ऑल एससीबीज का 10% है, तो इनका 9.6 है, यानी कि डिपॉजिट ग्रोथ ऑल्सो बिलो एवरेज। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख लो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पब्लिक सेक्टर बैंक की हार्डली 2.7% है, जबकि ओवरऑल एस सी बीज की यानी कि बिलो एवरेज, ये 3.1 है, तो ये 2.7 है, और ये प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक 3.8 है। तो आपको समझना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना एफिशिएंसी, इसलिए क्यों डाइवेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इनएफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल है। नहीं तो आप इसको एफिशिएंट करो, और अगर उसी सेक्टर में उसी समय में प्राइवेट बैंक्स अगर 3.8 की नेट इंटरेस्ट मार्जिन कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं 2.7 कर सकते, आप क्यों 2.7 पे हो, बिकॉज दैट इज इनएफिशिएंट। सो ये यहाँ पे ऐसा आरबीआई बोल रहा है। पेज 33 पे आ जाओ, ये है ना पेज 30, आरओए। अभी पीएसयू उसके लिए जो लॉजिक है वही आपने यहाँ पे भी लगाना चाहिए। अब देख लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट निगेटिव है। मार्च 19, सितंबर 19, मार्च 20, सितंबर 20 में, ये कुछ तो भी थोड़ा सा है। प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ओवरऑल सबका, यानी ये जो निगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे ऑल बैंक्स का, क्योंकि ये इनका प्राइवेट सेक्टर बैंक
सबको नीचे खींच रहा है, अदरवाइज सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक के आरओए पॉजिटिव में है। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक का निगेटिव, फ्लैट निगेटिव, ये 4.2। सेप्टेम्बर में जब पब्लिक सेक्टर बैंक का लेटेस्ट से इसने रिटर्न ऑन इक्विटी 4% का दिया है, उसी समय में प्राइवेट सेक्टर बैंक का और फॉरेन बैंक का 11% है। आप समझ सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ 4% और कहाँ 11%। तो ये है रीज़न कि वाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स या PSEs, जो उसने ऊपर बोला है कि सभी PA पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का MCAP कम हो रहा है, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक का है वैसा बाकी सबका भी है। अब देख लो यील्ड ऑन एसेट, अभी यील्ड ऑन एसेट का क्या मतलब है, जब आप लोन लेते हो, लोन देती है बैंक, तो उसके ऊपर जो अर्निंग मिलता है वो यील्ड कहलाएगा। 7.7 एवरेज, 7.9 है हमारा, 7.7 है प्राइवेट का, 8.6 है फॉरेन का, थोड़ा कम है, पर यील्ड ऑन एसेट्स हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक का बिलो एवरेज है। पेज नंबर 36 एनपीए, एनपीए पे बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो देख लो एनपीए किसका ज़्यादा है, आपको समझ में आ गया होगा। 36 2.4 बी, आप देख लो लार्ज बॉरोवर्स, जो बड़े बॉरोवर है ना, दिग्गज लोग जो हरदम PSU बैंक्स में लोन लेके भाग जाते हैं, आप देख लो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ लार्ज बॉरोवर्स, लार्ज बॉरोवर्स में पब्लिक सेक्टर बैंक का 13% है, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक का है नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर लार्ज बॉरोवर्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक का 9%, फॉरेन बैंक्स का 2% और ओवरऑल सबका 11%। तो ये भी है, और इसलिए फिर आपने जब शेयर्स खरीदते हैं तो PSU बैंक्स के शेयर या PSU एंटरप्राइजेस के शेयर्स आपने थोड़ा सा ये एंगल से सोचना चाहिए। और पेज नंबर 47 पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक। इतना सब होने के बाद भी ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने को कुछ प्रॉब्लम आया था अपने बैंकिंग सेक्टर को, ना अभी आपके 47 ना पैंडेमिक के टाइम पे। तो वो क्या बोल रहे हैं, एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इक्विटी प्राइसेस ऑन बैंक कैपिटल एंड इंडिकेट्स दैट कुछ तो कभी इम्पैक्ट फॉर द ओवरऑल सिस्टम इज लिमिटेड ड्यू टू बैंक्स लो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर अराइजिंग फ्रॉम रेगुलेटरी लिमिट्स। तो ये आपके लिए, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि RBI इतना एक्टिव है, RBI इतना एग्रेसिव है और RBI सबको बराबर लाइन पे रखता है। तो PSUs में प्रॉब्लम्स हैं, वो लेगेसी इश्यूज हैं, अभी चलते जा रहे हैं, पर ये है एक ओवरऑल RBI जो हमारे अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। और RBI का यही बोलना निकल रहा है इसमें से कि इकोनॉमी एक तरफ है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गए। तो ये हो गया एक पार्ट अपने सेशन का, और आज का सेशन ऑलरेडी आप देख सकते हो 33 मिनट हो गया, पर मुझे एक और टॉपिक आज कवर करना है और करना ही है। वो इसलिए करना है क्योंकि बहुत दिनों से ये टॉपिक छूटते जा रहा है कि हेजिंग कैसा करते हैं, और कैसा यानी कि एक्सेल में पोर्टफोलियो, एक्सेल में किस तरह से पे ऑफ चार्ट के लिए बनाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है आपको, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पैसा बचाना है अगर तो करना पड़ेगा। तो हम एक नया बना लेंगे निफ्टी, निफ्टी या एक बनाया हुआ है पहले, इस पर पूरा बनाएंगे नहीं लगे तो। निफ्टी मान के चलिए 14,500 पे है, और आप एक पुट ऑप्शन लॉन्ग करते हो। ये पूरा अलग टॉपिक है, एकदम अलग टॉपिक है, एकदम स्ट्रेटेजी चेंज, मूड चेंज हो गया है। निफ्टी 4,570, तो ठीक है हम 14,500 आपने एक पुट ऑप्शन लॉन्ग किया, ध्यान दीजिए स्ट्राइक प्राइस 13,500 आपको लाइव डेटा दिखा देंगे। अगर आप 13,500 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो उसका भाव लगभग 35 रुपया चल रहा है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे 13,535 रुपया। एक्सपायरी कौन सी है, ये एक्सपायरी है 28 जनवरी की, तो यहाँ पे 40 लिया है, राउंड फिगर लिया है। अब आपने एक पुट ऑप्शन लॉन्ग किया और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम। 10 लाख के पोर्टफोलियो पे
आप एक स्ट्राइक, आप एक 13,500 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्ग यहाँ पे लिखा है ना, लॉन्ग यानी खरीद रहे हो, खरीद रहे हो यानी आप 40 रुपया प्रीमियम दे रहे हो। लॉट साइज 75 का होता है और आपने एक लॉट खरीदा है। पहले तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बाजार अगर 13,500 तक जाता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोल रहे हो कि बाजार 13,500 के नीचे जाएगा तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसलिए आप अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो ये करंट मार्केट 14,500, अगर आप करंट मार्केट पकड़ेंगे निफ्टी का, जो कि है भी लगभग, जो कि है भी, ये डेटा सब रियली डेटा लिया हुआ है, आप देख सकते हो 14,580। तो 14,500 अगर निफ्टी है तो आप बोल रहे हो यहाँ से 1,000 पॉइंट या फिर यहाँ से 7% नीचे तक अगर मार्केट जाता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके नीचे मार्केट जाएगा तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं 40 रुपया दे रहा हूँ। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, लिख लो यहाँ पे, ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है। आप टर्म प्लान लेते हो ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को पैसे मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो प्रीमियम वेस्ट। तो वैसा ही है, अगर मार्केट नहीं गिरा तो आपका ये पोर्टफोलियो है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो ये आपका टर्म प्लान आपको बचा लेगा। अभी देखते हैं कैसे। हम पकड़ के चलते हैं कि बाजार 12,500 तक गिरेगा, बाकी सब छोड़ दो, ये आप ये नीचे का बाकी कुछ मत देखो, इसको वाइट कर देते हैं अपन, आपके सामने ये सब है ही नहीं, आपके सामने सिर्फ एक ही है कि बाजार अगर 12,500 तक गिरेगा। अब परसेंटेज में कितना फॉल हो गया, ये 14,500 से 12,500 अगर आप निकालेंगे तो ये 13-14% का फॉल हो गया। अगर बाजार 14% से गिरता है तो हम पकड़ के चलेंगे आपका पोर्टफोलियो भी लगभग उतने परसेंट से ही गिरेगा, तो ये 10 लाख को 13%, 14% कर दो, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 8.5 लाख का हो जाएगा, यानी लॉस कितना हो गया आपके पोर्टफोलियो को, 10 लाख माइनस ये 8,82,62,000, आपको आपके पोर्टफोलियो में लगभग 1,40,000 रुपये का लॉस होगा। कब? अगर बाजार 12,500 तक गिरा और आपका पोर्टफोलियो अगर बाजार से अलाइंड रहा तो। ये पहला पार्ट है। अब क्योंकि आपने पुट लॉन्ग किया है, लॉन्ग पुट की डेफिनेशन क्या है, चलो डेफिनेशन लिख दो, राइट टू सेल द अंडरलाइन एट स्ट्राइक, यानी कि आपके पास राइट है, क्या राइट है, अंडरलाइंग बेचने का। अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग निफ्टी है, क्या स्ट्राइक पे बेचने का, 13,500 पे बेचने का राइट है। तो जो चीज़ बाजार में आज 12,500 में चल रही है, वही चीज़ अगर आप 13,500 में बेच सकोगे, यानी नेट नेट आपको इधर 13,500 पे बेचा और वही चीज़ मैंने मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको 1,000 पॉइंट ऊपर मिलने वाले हैं, और लॉट साइज 75 का है इसलिए 75 × 1,000, यानी कि आपको 75,000 का प्रॉफिट होगा। इसलिए यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन, अब ये पूरा मैथमेटिक्स है वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको लॉन्ग पुट में 72,000 का प्रॉफिट होगा। हाँ, ये 72,000 क्यों आया, 75,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि 40 रुपये भी जाने वाले हैं आपके, 40 × 75 अगर आप करेंगे तो 3,000 आता है। इंटरव्यू में वगैरह ऐसा जवाब दे देना तो आपको एकदम से बढ़िया जॉब लग जाएगा। तो इसलिए आपको 72,000 रुपया प्रॉफिट हुआ लॉन्ग पुट में, 1,40,000 आपको नुकसान हुआ पुट, अच्छा नुकसान यानी क्या, वैल्यूएशन सिर्फ कम हुआ है, और इसलिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट नेट 65,000 का लॉस है आपको, केवल 65,000 का, जो कि 1.5 लाख का लॉस था 140 का वो। तो दैट मीन्स जो 13% का लॉस था, जो 13% का लॉस था वो आपका घट के 6% पे आ गया, क्योंकि आपको इतना सारा पैसा बाजार ने दे दिया। अच्छा, ये पैसे का आप क्या कर सकते हो, क्यों, ये कैश है, ये लॉस तो नोशनल लॉस है लेकिन ये एक्चुअल कैश प्रॉफिट है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस मनी टू बाय शेयर्स। आपके जो भी बाजार गिरा हुआ है ना, बाजार 13% नीचे है, 12,500 पे बाजार है, और आपके कोई आके बोलता है लो भाई 72,000 रुपये ले लो, तो आप क्या करोगे, वो 72,000 रुपये का जो शेयर्स अच्छे सस्ते दाम में मिल रहे हैं वो शेयर्स आप खरीद लेंगे। और इसके लिए अब आप आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यूएशन देखो तो 8,62 पोर्टफोलियो कम हो गया, लेकिन 72 आपको पुट ने दे दिए, तो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो केवल 9,34 पे है, हार्डली 60-70 हज़ार नीचे। तो ये होता है अगर एक्सट्रीम फॉल अगर मार्केट में होता है तो। अगर मार्केट में ऐसा फॉल नहीं हुआ, अलग अलग
अब जैसा समझो मार्केट, ये तो एक हो गया कि मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चले गया, मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर गया, आप देख लो 15,500, तो आपको लॉस तो सिर्फ लॉन्ग पुट में 3,000 का ही लॉस हुआ है, आपका सिर्फ टर्म प्लान का प्रीमियम वेस्ट हो गया। पर पोर्टफोलियो भी तो, अगर मार्केट 7% से ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो भी 7% से ऊपर जाएगा। और इसलिए फिर अगर आप इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को ये एक्सेल दे भी देंगे, और नहीं तो आप शैलेश सर से टच कर लेना, तो जो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के लिए रजिस्टर्ड है उनको ये एक्सेल शीट व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और जो नहीं है कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के लिए तो रजिस्टर करिए। शैलेश सर का नंबर है, आप शैलेश सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको बाकी डिटेल बता देंगे। तो ये पे ऑफ चार्ट है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी केवल लॉन्ग पोर्टफोलियो की लाइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ये जो लाइन है ये लॉन्ग पुट का पे ऑफ चार्ट है। अपने काम का है टोटल वैल्यू, ऑरेंज वाली लाइन, ऑरेंज वाली लाइन आप देख सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप जस्ट थोड़ा सा ही नीचे जाओगे, आप उस तरह से नीचे नहीं जाओगे जिस तरह से ये लाइन नीचे जा रही है, क्योंकि ये लॉन्ग पुट आपको बचा रहा है। तो ये होता है हेजिंग। आपको कॉस्ट कितना है, 10 लाख के पोर्टफोलियो पे, यार 10 लाख के पोर्टफोलियो पे 3,000 रुपये की हेजिंग आपको कितना बचा देता है, तो ये आपने सबने करना चाहिए। ये समय जल्दी करने का नहीं है कि आज ये खरीदो कल वो खरीदो हर आईपीओ में अप्लाई करो ना, ये समय है आपने जो अब तक कमाया है, वॉरेन बफेट का रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या है, डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2 क्या है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो वो रूल नंबर 1 फॉरगेट मत करो, आज अपने आप को हेज करो, अपने आप को बचाओ, तो ये वो करना है। अच्छा, आपको एक और बात क्या करनी है, ये फॉर्म आपको फिल करना है, बेयर्स एंड बुल्स का बीएससी आईपीएफ को डेटा देना पड़ता है, तो नीचे इसकी भी लिंक रहेगी। आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कौन से कंट्री या कौन से शहर से आप देख रहे हैं, इतना आप प्लीज़ कर दीजिए, चार चीज़ें आपको मांग रहा हूँ वो भर दीजिए, क्योंकि बीएससी आईपीएफ को डेटा देना पड़ता है। और आप जब भी आप ये सीरीज़ में कोई भी वीडियो आप देखेंगे ना, तो इतना ज़रूर रखिए, हम कोई पब्लिक में इसको देते नहीं है, ये सीधा डेटा ऐसा का ऐसा बीएससी आईपीएफ को जाता है, तो ये प्लीज़ आप, आजकल सबको बहुत डर लगता है मेरा डेटा व्हाट्सएप ले लेगा, आप तक कौन सा नहीं ले रहा था, सबको वो सीरी एलेक्सा कोरोना सबको सब कुछ पता है, तो पर मुझे आप सिर्फ इतना भर के दे दीजिए, क्योंकि डेटा देना पड़ता है बीएससी आईपीएफ को, क्योंकि उनके साथ हम ये लेक्चर ले रहे हैं। तो आज का मैराथन सेशन देखिए 42-45 मिनट का लंबा सेशन हो गया, पर दो टॉपिक्स, दो बहुत अलग अलग लेकिन दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, रेलेवेंट टॉपिक्स, कौन से, एक आरबीआई मैक्रो और दूसरा हेजिंग माइक्रो, याच्या शिवाय मराठीचा एक टेलिग्राम ग्रुप आहे मराठी गुंतवणूकदारांसाठी, जो शिवानी मॅडम बघतात जो व्हिडिओ, पण शैलेश सरांशी तुम्ही बोलले तर ते पण तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ॲड करू शकतील आहे। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपना डेटा दे दीजिए, डेटा फिल करिए, और ऐसे वीडियोस देखते रहिए, और जो भी टॉपिक्स रेलेवेंट लगेंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बहुत लंबा खींचने को और फालतू की बात करने को, पर ये दोनों टॉपिक्स आज नहीं करेंगे तो फिर कल कुछ और नया आ जाएगा, फिर वो भी कवर करना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई रिपोर्ट, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, और डेरिवेटिव्स, यार अपना पोर्टफोलियो है बचा लो, आपको बस हर एक बार जब तक मार्केट क्रैश नहीं होता, बजट आ नहीं जाता, तब तक मैं हर बार एक ही बात बोलने वाला हूँ कि बचाओ, अपने आप को बचाओ, इंश्योरेंस लो, जिसको जिसको बता सकते, जिसका भी पोर्टफोलियो 10 लाख के ऊपर है सबको सिर्फ एक बात बताओ, भाई पुट ऑप्शन ले ले, बहन पुट ऑप्शन ले ले, बस कुछ मत कर बोलना, तू एक पुट ऑप्शन ले ले, 3,000 4,000 जो भी है, कम से कम कुछ तो बचेगा। ये है, चलिए, बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ का आज का वीडियो बहुत लंबा हुआ, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में नहीं, कमेंट्स में नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सीएमएम की भी लिंक है, और ये जो है इसका फॉर्म जो है उसका दोनों का लिंक रहेगा, तो और शैलेश सर का नंबर भी है, तो प्लीज़ भरिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब फाइनली बंद करते हैं।